गुड मॉर्निंग क्लास टू क्लास इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स एंड इन दैट कंडक्टर्स द कंडक्शन इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस एंड टूडे विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड द कंडक्शन इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन ठीक है यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन यानी कि अगर कंडक्शन में कंडक्टेंस होने में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है कौन हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स हेल्प कर रहे हैं तो उस कंड conduct, कंडक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन और नॉर्मली जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें जो कंडक्शन होती है दैट इज़ ऑलली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जितने भी मेटा मेटल्स हैं दे ऑल बिहेव एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स ठीक है और तभी तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स को हम इलेक्ट मेटालिक कंडक्टर्स भी कहते हैं एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन और मेटालिक कंडक्शन ठीक है तो दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड विदाउट अंडरगोइंग एनी डिकम्पोजिशन जितने भी मेटल्स हैं ना अगर उनसे कंडक्टेंस हम देखें तो वो वो कंडक्शन करते हैं लेकिन उन उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है उनमें कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है ठीक है तो जितने भी मेटालिक कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं दे अंडर कंडक्शन विदाउट एनी चेंज इन देयर कंपोजिशन ठीक है विदाउट अंडर गोइंग एनी डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोज भी नहीं होते नहीं तो उनमें कोई चेंज आता है दे आर नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और मेटालिक कंडक्टर्स एंड द होल प्रोसेस ऑफ कंडक्शन बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन और क्या कहते हैं इनको मेटालिक कंडक्शन भी कह सकते हैं ठीक है जितने भी मेटल्स हैं दे ऑल बिहेव एज अ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और मेटालिक कंडक्टर्स ठीक है मैक्सिमम ऑल मेटल्स ठीक है जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं अच्छा अभी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी या आर सम फैक्टर जो इसको अफेक्ट करेंगे ठीक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल ठीक है मेटल कैसा है जैसे कि आप लोगों को पता है सिल्वर जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर है ठीक है फिर हमारे पास इसी तरह से अलग अलग मेटल्स जो हैं वो उनकी नेचर पे डिपेंड करता है सम आर वेरी बेस्ट कंडक्टर्स सम आर गुड कंडक्टर्स एंड सम आर नोट सो गुड कंडक्टर्स ठीक है जैसे आपको पता है कि मर्करी है लेड है दे पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है तो हमारे पास मेटल की नेचर पे भी डिपेंड करता है ठीक है कि कौन सा मेटल लेके हम कंडक्शन कर रहे हैं इससे भी कंडक्शन पे जो उसकी कंडक्ट कंडक्शन है वो अफेक्ट करती है ठीक है फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम देखो जो मेटल्स हैं ना ये मेटालिक कंडक्टर्स हैं इनमें कंडक्शन जो हो रही है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है और इलेक्ट्रॉन्स मूव कौन से करते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन थोड़े मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ मूव करते हैं जो इनके वैलेंशियल में अवेलेबल होते हैं ठीक है जैसे कि तो अगर अगर मैं कहूँ मेरे पास सोडियम uh, है ठीक है सोडियम के पास वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हर पर एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इसके एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और कंडक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से ही हो रही जितनी मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ज़्यादा कंडक्शन होगी ठीक है अगर किसी एटम के पास वैलेंस शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डेफिनेटली उसकी कंडक्श कंडक्टेंस भी कैसी होगी ज़्यादा होगी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगी ज़्यादा होगी ठीक है जैसे कि मैं मैं अगर मैं कॉपर ले लूँ ठीक है कॉपर के पास टू पॉजिटिव इलेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास ठीक तो है, है, है तो अगर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं क्या है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी और कंडक्शन भी क्या होगी ज़्यादा होगी ठीक नेक्स है नेक्स्ट है टेम्परेचर नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है टेम्परेचर ठीक है अब देखो जो मेटल्स होते हैं ना वो कंडक्शन करते हैं या आप लोगों ने प्लस वन में भी आप मैंने आपको प, बताया था कि एक्चुअली में मेटल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जैसे मैंने सोडियम की बात की ठीक है तो इस तरह से सोडियम सोडियम के फॉर्म में नहीं होगा ठीक है उसका जो क्रिस्टल लैटिस होता है किस तरह से होता है अंदर का पूरा अरेंजमेंट उस मेटल का जो आयन होता है ठीक है उसके साथ टैग्ड होते हैं ठीक है बाइंड होते हैं उसकी उसके बैलेंसल के इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम का ही ले लेते हैं हम मान लेते हैं सोडियम का मेरे पास इतना तो छोटा सा पीस है और मैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाह रही हूँ ठीक है तो सोडियम पॉजिटिव आयन की फॉर्म में मिलेगा हमें और साथ में टैग्ड होगा फोर्स के साथ बंधा होगा उसका एक इलेक्ट्रॉन सिंपल सी बात जितने उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ठीक है अब इतने से पीस में एक एटम तो होगा नहीं बहुत सारे ऐटम हो, एटम्स होंगे ठीक है इस तरह से बहुत सारे सोडियम के आयंस एन ए पॉजिटिव और इसके साथ बाइंड होगा उसका एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से ठीक है ये एन ए पॉजिटिव और साथ में इसका इलेक्ट्रॉन अच्छा ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है ना साथ में क्या टैक्ट है उसका एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज आयन जो है इनको हम क्या कहते थे दे आर नोन एज कैनल्स ठीक है और ये हो गए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्लियर ठीक है अभी हमने पढ़ा कि जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे डेफिनेटली उतने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि सोडियम के पास ना इलेक्ट्रॉन तो ग्यारह है देखा जाए बिकॉज एटॉमिक नंबर क्या है इसका इलेवन है ना लेकिन इलेवन में से कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज देयर जो कि वैलेंस शेल में है बाकी के दस इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर स्टिल जो है वो कहाँ होंगे अंदर उसके शेल के अंदर ही रहेंगे वो बाहर नहीं आएंगे ठीक है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगी क्लियर अच्छा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा आप कंडक्ट कंड कंडक्टेंस में ना अच्छा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में हमने पढ़ा था कि जो कंडक्शन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आइंस और टेम्परेचर बढ़ाने से आइंस की मूवमेंट इंक्रीज़ करती थी तो कंडक्टेंस क्या करेगी इंक्रीज करेगी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ठीक है अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंड कंडक्शन की देखो टेम्परेचर अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है ठीक है अभी हमने मेटल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया इस तरह से होता है पॉजिटिव आयन बाइंड विद द इलेक्ट्रॉन ठीक है पॉजिटिव आयन बाइंड विद द इलेक्ट्रॉन ठीक है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने से ना इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो बढ़ेगी वो तो हमें पता है ठीक है उस पहले से अनर्जेटिक है बहुत ज़्यादा जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया उसकी और मूवमेंट बढ़ेगी लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो पॉजिटिव कैनल्स है ना जो पॉजिटिव आयन है उसकी मूवमेंट भी क्या करेगी वो भी इंक्रीज़ करेगी ठीक है अब देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनकी मूवमेंट से कंडक्ट कंडक्टेंस हो रही लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो कैनल्स हैं ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे ठीक है इनकी वाइब्रेशन से क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है उनके पाथ में ऑब्स्टेकल हो जाएगी ठीक है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रॉपरली जो है फ़्लो नहीं कर पाएंगे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के साथ साथ जो आयंस हैं जो कैनल्स हैं पॉजिटिव आयंस हैं ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में ये एज ऑब्स्टेकल बिहेव करेंगे और इस वजह से ऑलवेज रिमेंबर जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी कंडक्टेंस हमेशा क्या

कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स ठीक है एक आप लोगों ने क्या करना है आपने क्वेश्चन लिखना है ठीक है डिफरेंसेस गिव थ्री पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स ठीक है तो आपका या आपने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है ठीक है आपने पॉइंट्स ऑफ डिफ्रेंसेज लिखने हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्लियर नेक्स्ट हमारे पास आप लोगों ने पढ़ा है ये टेंथ में फिजिक्स में फिजिक्स में पढ़ा है ओम्स लॉ ठीक है तो ओम्स लॉ जो है इट इज़ गिवन बाय द साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ठीक है ठीक है आप लोगों ने पढ़ा है ये फिजिक्स में तो ओम लॉ क्या कहता है ये कहता है कि वेन एवर वी पास द करंट ठीक है कभी भी किसी भी कोई भी कंडक्टर है ठीक है उससे कितना करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्ट वो डायरेक्टली किससे रिलेट करेगा जितना उसके टर्मिनल्स के ऊपर क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश होगा उतना ही करंट क्या करेगा फ़्लो करेगा जितना इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में डिफरेंस आएगा ना पोटेंशियल को उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा क्या होगा करंट फ्लो करेगा जैसे जैसे इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होता जाएगा डेफिनेटली करंट जो करंट है उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी स्मॉल होती जाएगी ठीक है तो मैथ इसको कैसे लिखते हैं एक्सप्रेशन की फॉर्म में करंट I इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट ठीक है और आई अगर आपने प्रपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किए तो हम लगाएंगे आपने पढ़ा ये हम क्या लगाते हैं वन बाय आर और इसको बन गया आई इज़ इक्वल टू वी बाय आर या तो आप आर यहाँ ले जाओ तो बन जाएगा वी इज इक्वल टू आई आर ठीक है आप लोग पढ़ चुके हैं इसको एंड ये हमारे पास बन गया ओम्स लॉ ठीक है ओम्स लॉ ने क्या कहा इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट ठीक है वट इज़ आर हेयर इट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ये क्या है कंडक्टर का रेजिस्टेंस है ठीक है तो ओम लो इसको हम और किस तरह से जो है स्टेट कर सकते हैं ठीक है थीके? देखो ये है ना तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा ओम्स लो में भी डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ठीक है ना उसके साथ कैसा था रिलेशन इट वॉज हैविंग इनवर्सली रिलेशन ठीक है तो दिस इज अबाउट द ऑन थ्लो अब कुछ ना फाइव टू सिक्स हमारे पास ना स्मॉल स्मॉल डेफिनेशन हैं कुछ डेफिनेशन जो आप लोगों ने पढ़ी हैं ठीक है आपने टेंथ में ये फिजिक्स में पढ़ी हुई हैं हम इसको थोड़ा सा फटाफट से उसको रिकैप्कुलेट करने वाले हैं ठीक है तो फर्स्ट हमारे पास किसी डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन तो रेजिस्टेंस क्या होती है ऑप्स्टेकल करंट में कितने ऑब्स्टेकल आ रही उसकी जो मेजरमेंट है वो क्या होती है रेजिस्टेंस होती है ठीक है कैपिटल आर से क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इट मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट ठीक है जिस कंडक्टर में जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी रेजिस्टेंस क्या करेगी इंक्रीज करती है और आप लोगों को पता है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का उसके साथ कैसा होता है इसका रिलेशन इनवर्सली होता है दैट्स वाई कैपिटल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एन इनवर्सली टू द ए वट इज़ ए है इट्ज अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वर्ट इज एल इट्ज लेंथ ऑफ द कंडक्टर ठीक है और आर प्रपोर्शनल टू एलोबॉन ए है प्रपोर्शनल्टी साइन ने मूव किया तो हमने क्या लगाया यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगाया एक ये और इसको कहते हैं रो और ये रो जो है इसको कहा गया है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी और इसको एक नाम दिया गया है रेजिस्टिविटी कहा गया है इसको इट इज़ नॉन एज रेजिस्टिविटी और इसका नाम एक और भी दिया गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ठीक है तो अभी सिंपली रेजिस्टेंस देखते हैं इज रेजिस्टेंस इट इज़ द इट मेजर्स द ऑब्सट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट ठीक है और रेजिस्टेंस निकालने की वैल्यू क्या है रो इन टू एल अपॉन ए ठीक है अच्छा ये जो हमारे पास रजिस्टेंस uh, है ठीक है इसके यूनिट्स क्या होते हैं वट इज़ यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस इसके यूनिट्स होते हैं ओम ठीक है ohm, और इसको सिम्बलाइज इस तरह से करते हैं दिस इज अ सिम्बल ऑफ ओम ठीक है तो दिस इज अबाउट द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस क्लियर अच्छा अभी हमने ना एक नई टर्म यहाँ पे पढ़ी दैट इज़ रेजिस्टिविटी तो क्या होती है रेजिस्टिविटी सेकंड हमारे पास डेफिनेशन किसकी होगी रेजिस्टिविटी की ठीक है तो रेजिस्टिविटी को एक नाम हमने और दिया है दैट इज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ठीक है तो क्या आती रेजिस्टिविटी रजिस्टिविटी यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं रेजिस्टिविटी को आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन है यहाँ से रो किसके इक्वल आ जाएगा ठीक है आर इंटू एपॉन एल के इक्वल आ जाएगा ठीक है क्या कब भी हो सकता है कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाए ठीक है कब आ जाएगी जब हमारे पास जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी होगी वन सेंटीमीटर ठीक है ये तो अगर आप ऐसा ही मिले तो वन मीटर ले सकते हैं और एरिया ऑफ प्रोसेस कितना होगा वन सेंटीमीटर स्क्वेयर तो अगर यहाँ पे हम ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं ये या आ गया वन सेंटीमीटर उसके लेंथ कितनी आ गई वन सेंटीमीटर तो उस केस में हमारे पास रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाएगी ठीक है अच्छा ये तो रेजिस्टेंस है ये और ये क्या है रेजिस्टिविटी और इसको हमने क्या नाम दिया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि समटाइम्स इट बिकम्स इक्वल टू रेजिस्टेंस तभी तो हमने कहा ना स्पेसिफिक और वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होंगी वो होंगी वन द लेंथ इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर एरिया इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर स्क्वेयर और इन एस आई इफ लेंथ इज इक्वल टू वन मीटर एंड एरिया इज इक्वल टू वन मीटर स्क्वायर इन दैट कंडीशन द रेजिस्टिविटी बिकम इक्वल टू रेजिस्टेंस दैट्स वाई इट ऑसो नॉन ए स्पेसिफिक रजिस्टेंस ठीक है तो रजिस्टिविटी को हम डिफाइन कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर जो हमने यहाँ पे कंडीशंस लिए हैं क्या कहा हमने इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ठीक है किसके इक्वल हो गई है इट इज इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ वन सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू वन सेंटीमीटर स्क्वेयर ठीक है और आप यहाँ सेंटीमीटर की जगह वी कैन ऑल्सो यूज मीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वेयर ठीक है दिस इज़ अबाउट द रेजिस्टिविटी इसकी डेफिनेशन ठीक है इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस के जब स्पेसिफिक कंडीशंस पुट करेंगे तभी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाते हैं व्हाई इट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अब हमने पढ़ने हैं इसके यूनिट्स क्या होते हैं रो रेजिस्टिविटी क्या इसकी वैल्यूज है आर इन टू ए अपॉन एन रजिस्टेंस क्या होता है ओम एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर लेंथ सेंटीमीटर पुट कर दिया सेंटीमीटर स्क्वेयर से सेंटीमीटर कट गया स्क्वेयर निकाल दिया और क्या बन गया इसके मेरे पास यूनिट्स ओम सेंटीमीटर ओम के लिए वी यूज द सिंबल और सेंटीमीटर या एस में ओम मीटर क्लियर दिस इज अबाउट द सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज रेजिस्टिविटी ठीक है थर्ड मेरे पास जो टर्म है वो है कंडक्टेंस है ना पढ़ा आप लोगों ने कंडक्टेंस कंडक्टेंस को हम कैसे करते हैं डिनोट कैपिटल जी से कंडक्टेंस क्या होता है कितने ईजीली करंट फ्लो कितना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है उसकी जो मेजरमेंट है दैट इज़ इक्वल टू कंडक्टेंस इट इज़ अ मेजर ऑफ द ईज विद विच करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ठीक है और कंडक्टेंस जो है इसको निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है इट इज़ इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है रेजिस्टेंस क्या था ऑब्स्ट्रक्शन ऑबस्टेकल के मेजरमेंट और ये कितने ईजिली फ्लो कर रहा है उसकी मेजरमेंट दोनों आपस में कैसे करेंगे रिलेट इनवर्सली करेंगे रिलेट ठीक है तो कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन ऑन रजिस्टेंस हो जाएगा डेफिनेटली यूनिट्स क्या आएंगे जो रजिस्टेंस क्या है उसका वन अपॉन कर देंगे तो इसके क्या यूनिट्स आएंगे ओम इनवर्स और सिम्बोलिकली इस तरह से ओम माइनस वन करके ठीक है और ओम इनवर्स की जगह ना वी कैन ऑलसो यूज़ द यूनिट महो ठीक है मोह भी यूज़ करते हैं लेकिन मोहो की जगह जो ज़्यादा इसका जो एप्लीकेबल जो यूनिट है वेट साइमन्स ठीक है यानी कि ओहम इनवर्स को हम साइमन्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड सैमन्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं साथ में सिम्बल कैपिटल एस ठीक है तो कंडक्टेंस का क्या सिंबल हो गया साइमन्स क्लियर उसी तरह से ना जैसे हम रेजिस्टेंस का पड़ा रेजिस्टिविटी वैसे ही कंडक्टेंस का क्या होगा कंडक्टिविटी क्या 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 कहा गया है इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास सिंबल रहेगा ये ठीक है और इसको हम कहते हैं कप्पा क्या है इसका नाम कप्पा इट्स नेम इज कप्पा ठीक है अब ना उसी से रिलेट करो रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी क्या थी रेजिस्टेंस बोला उसको हमने स्पेसिफिक वन सेंटीमीटर लेंथ की और वन सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की सेम टू सेम अगर हम किसी किसी भी स्लेशन कंडक्टेंस देख रहे हैं किसी भी कंडक्टर की कंडक्टेंस नोट कर रहे हैं ठीक है और उसका लेंथ कितनी है वन सेंटीमीटर है एंड एरिया कितना वन सेंटीमीटर स्क्वेयर तो वो कंडक्शन जो कंड हमारे पास जो है कंडक्टेंस है वो बन जाएगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या बन जाएगी कंडक्टिविटी ठीक है और कंडक्टिविटी को निकालने की जैसे कंडक्टेंस वॉज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस वैसे कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी ठीक है तो कप्पा जो है विज इज सिंबल फॉर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू वन अपॉन रो रो क्या चीज़ है रेजिस्टिविटी तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे कंडक्टिविटी के जो रजिस्टिविटी uh, के थे उसका इनवर्स कर दो उसके थे ओम मीटर इसके हो जाएंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और सिंपल क्या बोलेंगे साइमन मीटर इनवर्स बिकॉज साइमन जो ओम इनवर्स है वो किसके इक्वल होता है साइमन के इक्वल होता है ठीक है तो दिस इज अबाउट द कंडक्टिविटी नेक्स्ट हमारे पास है मोलर कंडक्टिविटी ठीक है और मोलर कंडक्टेंस और इसको सिम्बॉलिक लिखते हैं हम ठीक है लैमडा ये लैमडा वैसे ऐसा होता तो है ना लैमडा ये ऐसे लिखते हैं ठीक है बट दिस अनदर वे टू राइट डाउन द ऐसे भी हम लैमडा लिख सकते हैं ठीक है इनवर्स वी करके ये लैमडा नीचे क्या है स्मॉल एम तो ये है सिंबल किसका मोलर कंडक्टिविटी का तो क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी सिंपल ऐसे हम ना किसी भी कंडक्टर की कंडक्टेंस नोट करते हैं ठीक है अगर ना स्पेशली हम किसी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस नोट कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं नोट हम कंडक्टेंस किसी सॉल्यूशन की और वो जो सॉल्यूशन है जिस इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है वो हमने कितना लिया हुआ है वन मोल लिया हुआ है बड़ा सिंपल अगर हम एक वन मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस चेक करते हैं तो वो जो कंडक्टेंस होगी ना वन मोल इलेक्ट्रोलाइट की दैट कंडक्टेंस इज नॉन एज मोलर कंडक्टेंस या कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी तो क्या लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिजॉल्विंग मोन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन ठीक है और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है लैमडा एम दैट इज मोलर कंडक्टिविटी टू कप्पा अपॉन सी वेर वट इज सी इट इज द मोलर कंसेंट्रेशन नॉर्मली और ये हम कंसेंट्रेशन किस में लेके चलते हैं मोलारिटी की फॉर्म में ही लेते हैं वट इज सी हेयर इट इज मोलर कंसनट्रेशन क्लियर तो ये हमारे पास आ गया फार्मूला टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी यूनिट्स क्या होंगे इसके ठीक है अच्छा अगर कंसंट्रेशन जो है आपको जो है ना लीटर में गिवन ना हो मॉलर कंसंट्रेशन ठीक है तो क्या करेंगे चेंज करने के लिए क्या करेंगे थाउजेंड से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब अच्छे से क्लियर होगा ठीक है आपको अब इसके यूनिट्स क्या होते हैं कप्पा के लिए हमने क्या यूज़ करते हैं यूनिट कप्पा के लिए हम यूज़ करते हैं साइमन ठीक है पीछे हमने कपा कपा कंडक्टिविटी के लिए हम क्या यूनिट्स यूज करते हैं हम यूज़ करते हैं इसके लिए यूनिट साइमन मीटर स्क्वेयर ठीक है तो साइमन मीटर स्क्वेयर नीचे क्या है सी विट इज सी हेयर इट इज मोलारिटी की फॉर्म में तो ये हो जाएगा मॉल इनवर्स ठीक है तो हमारे पास किसके यूनिट्स आगे हमारे पास यूनिट्स आगे ठीक है यूनिट्स होते हैं साइमन मीटर स्क्यर मोल इनवर्स नेक्स्ट हमारे पास है इक्वलैंड कंडक्टिविटी और इसको हम सिंबॉलिकली के लिखते हैं लैमडा ई क्यू ई क्यू रिप्रेजेंटिंग इक्वलैंड ठीक है अब इक्विलेंट कनेक्टिविटी क्या हो मोलर से इसको रिलेट करते हैं मोलर कनेक्टिविटी हमने क्या कहा जब हम किसी सॉल्यूशन में वन मोल सॉल्यूशन लेते हैं उस वन मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस चेक करते हैं तो वो जितनी भी कंडक्टेंस आएगी उस वन मोल सॉल्यूशन दैट इज नॉन एज मोलर कंडक्टिविटी अब हम क्या करेंगे अगर हम जो सोल्यूशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं वन ग्राम इक्वलन ठीक है इफे टेकिंग का सोल्यूशन इक्वल टू वन ग्राम इक्वलेंट और उस वन ग्राम इक्वलेंट जो सोल्यूशन हमने लिया है हम उसकी कंडक्टिंग पावर चेक कर रहे हैं ठीक है तो वो जो कंडक्टेंस करेगा ना पूरा का पूरा सोल्यूशन डेट इज़ वन ग्राम इक्वलेंट उसकी कंडक्टेंस को क्या नाम दिया जाएगा इक्वलेंट कंडक्टिविटी लैमडा ई क्यू करके ठीक है और लैमडा ई क्यू हो जाएगा कप्पा अपॉन सी दिस इज सी कॉन्सेंट्रेशन और ये होगी इक्वलेंट कंडक्टिविटी के लिए दी गई कंसनट्रेशन और इसको यूनिट्स हो जाएंगे इसके साइमन मीटर स्क्वेयर जहाँ पे यहाँ पे मोल यूनिवर्स यहाँ पे हो जाए ग्राम इक्वलेंट यूनिवर्स ठीक है दिस इज अबाउट सम टर्म्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के जो रिलेशन में कुछ टर्म्स ही वो हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे क्लियर अच्छा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ़ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ़ आयनिक सॉल्यूशंस जो अब ना एक्सपेरिमेंटली किस तरह से हम किसी भी आयनिक सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी चेक कर सकते हैं ठीक है तो कंडक्टेंस जो है इट इज़ इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस तो हमारे पास एक प्रिंसिपल है ठीक है जिसके बेस पे हमने एक डायग्राम बनाया है सर्किट के डायग्राम बनाया है ठीक है ये डायग्राम जो है उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है एंड द प्रिंसिपल इज़ नॉन एज वीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ठीक है इस मेथड से हम ना रेजिस्टेंस निकालेंगे क्या निकालेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस अपने आप आ जाएगी बिकॉज रजिस्टेंस जो निकालेंगे उसको इन वन बाय कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी कंडक्टेंस आ जाएगी ठीक है तो ये वीडस्टोन ब्रिज मेथड जो है तो इसमें हम सर्किट जो हमने बनाया है कंजिस्ट ऑफ फोर रजिस्टेंस ठीक है यहाँ से हमने क्या वायर से जो है बैटरी कनेक्ट कर दी है यहाँ पे हमने चार रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्शन ठीक है कनेक्ट कर दिए हैं जिसमें से ये जो आर वन है और ये आर थ्री आपस में कैसे हैं वैसे ही आर टू और आर फोर भी क्या है पैरेलल है ठीक है इसमें ना मान लेते हैं कि आर थ्री आर फोर ये नॉन रेजिस्टेंस है ठीक है इनकी वैल्यूज़ मुझे पता है और ये फिक्स्ड है मैंने फिक्स किया है ख़ुद मैंने इनको सर्किट में ज्वाइन किया है इन रेजिस्टेंस को ठीक है रेजिस्टेंस बॉक्स से उठा के मैंने इनको ज्वाइन किया है आई नो द वैल्यूज ऑफ आर थ्री एंड आर फोर ऑल्सो ठीक है ये जो है ना ये आर टू ये वो रेजिस्टेंस है जो मुझे निकालना है किसी भी कंडक्टर की ये वो रेजिस्टेंस वैल्यू है जो मुझे निकालनी है तो हम कहेंगे दिस इज़ अन नोन टू मी और आठ जो है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये क्या है वेरिएबल रेजिस्टेंस है हम क्या करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स में से अलग अलग वैल्यूज़ की रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे सर्किट में पुट करते जाएंगे तो हमने क्या नाम दिया इसको वेरिएबल रजिस्टर रजिस्टेंस ठीक है और यहाँ पर डैगनली हमने बीच में कनेक्शन दिया है कनेक्ट किया है गैलवेनो जो यहाँ पे क्या देगा रीडिंग देगा अलग अलग ठीक है तो व्ही ब्रिज कहता है कि एक टाइम आएगा जब ये गैल्विनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन देना बंद कर देगा जहाँ पे यानी कि वहाँ पे इट मींस वहाँ पर रीडिंग कितनी आ रही है रीडिंग आ रही है जीरो और उस पॉइंट को हम कहते हैं नल पॉइंट क्या कहते हैं नल पॉइंट ठीक है वो पॉइंट लेकिन आएगा कब हम क्या कर रहे हैं ये तो दोनों फ़िक्सड रेजिस्टेंस है हमें इनकी वैल्यूज़ पता है ये हमने कहा वेरिएबल रेजिस्टेंस है ठीक है थीके? हमने स्टार्ट कर दिया कनेक्शन स्टार्ट कर दिया सर्किट ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पर गैलमीटर में न कोई ना कोई वैल्यू आ रही है और हम यहाँ पे ना रेजिस्टेंस बॉक्स से उठा के यहाँ पे अलग अलग रेजिस्टेंस जो है वो पुट करते जा रहे हैं दैट्स वाई आई कॉलिंग इट वेरिएबल रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं और हम वो तब तक जो है वो चेंज करते आर वन की वैल्यू जब तक कि ये गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन देना बंद ना कर दे और मान लो जैसे ही हमने यहाँ पे की रजिस्टेंस डाला किसी भी वैल्यू का तो यहाँ पर मान लेते हैं गैलविनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना बंद होगी तो उस पॉइंट को हम क्या उस पॉइंट को नाम दिया जाता है नल पॉइंट क्या कहते हैं नल पॉइंट जब करंट फ्लो करना बंद कर देगा नॉर्मल यही होना जब करंट फ्लो करना बंद कर देगा जब दो अलग अलग टर्मिनल्स में पोटेंशियल क्या हो जाएगा एक्चुअली सेम हो जाएगा तो उस टाइम पे जो गैल्वेनोमीटर है वो रीडिंग देना क्या करेगा बंद कर देगा तो उसी पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है हमने नाम दिया है नल पॉइंट ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है एट नल पॉइंट जो ये दो पैलर रजिस्टर रजिस्टेंस है इनकी रेशियो जो है इन दो पैलर रजिस्टेंस की जाती है यानी कि एट नल पॉइंट आर वन अपॉन सॉरी इन दोनों की ठीक है ये जो नल uh, पॉइंट पे क्या होगा ये जो दो सीरीज हैं आर वन अपॉन आर टू इनकी जो रेशियो है दैट बिकम्स इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर यानी कि आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर ठीक है तो अब ना इन चार पैरामीटर्स में से आर टू जो है ये अन रेजिस्टेंस है ठीक है अभी तो हम किसकी निकाल रहे हैं अभी तो सिंपली वायर की निकाल रहे हैं हम ठीक है तो ये आर टू जो है ये अन रेजिस्टेंस है जिसकी किसकी जिसकी भी कंडक्टर्स की हम निकाल रहे हैं ठीक है तो देखो आर वन जो है ये आपने खुद इसको बार बार चेंज की वैल्यू ठीक है तो आपको पता है फिफ्टी ओम है सिक्सटी ओम है जितना भी ओम है तो आपकी वैल्यू पता है आपने चेंज की है आर जो हमारे पास आर थ्री है ये भी फिक्स्ड वैल्यू थी दैट इज़ आल्सो नोन टू यू और आर फोर भी क्या है नोन है तो क्या आपको आर टू निकालना इजी नहीं हो जाएगा तो आर टू जो है दैट बिकम्स इक्वल टू आर वन इन आर फोर अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे आर थ्री नहीं हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से ये व्हीट स्टोन रिच प्रिंसिपल काम करता है कि चार रेजिस्टेंस में से एक अननोन है बाकी तीन जो है वैल्यूज नॉन है मुझे तो उनकी जो रेशो है सीरीज वाली जो आर वन अपॉन आर टू इज़ इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर ठीक है तो इस तरह से हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस जो है निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस निकाल लिया और वन अपॉन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा उस कंडक्टर uh, uh, की क्या आ जाएगी कंडक्टेंस आ जाएगी क्लियर क्लियर हुआ तो ये हमारे पास था प्रिंसिपल ऑफ वीट स्टॉन ब्रिज अब देखो ना अब प्रॉब्लम क्या आती है इस प्रिंसिपल को यूज़ करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है प्रिंसिपल को नहीं किस तरह से हम फेस करते हैं डिफ़िकल्टी वैन वी आर मेजरिंग द कंडक्टेंस ऑफ एनी आयोनिक सॉल्यूशन तो देखो, देखो पहले डिफ़िकल्टी तो क्या आ रही है मान लो यहाँ मुझे किसी भी वायर की रेजिस्टेंस निकालनी तो बड़ा सिंपल है वायर को मैंने रेजिस्टेंस के साथ क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया था बड़ा सिंपल हो गया लेकिन किसी आयोनिक सॉल्यूशन को कनेक्शन इस तरह से कनेक्ट करना है बहुत ही क्या है डिफ़िकल्ट है तो फर्स्ट हमारे पास डिफ़िकल्टी यह आती है वी कैन नॉट कनेक्ट डायरेक्टली सॉल्यूशन टू दिस वीट स्टॉन ब्रिज ठीक है तो इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए क्या किया गया एक नया सेल जो था बनाया गया उसका नाम था कंडक्टिविटी सेल ठीक है ये डिफ़िकल्टी दूर होगी दूसरी डिफ़िकल्टी ये थी देखो यहाँ पे हमने डार्क करंट यूज़ किया है ठीक है जब हम यही डार्क करंट यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलाइट किसी आयनिक सोल्यूशन की कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए तो वो डायरेक्ट करंट पता क्या करेगा वो कर देगा उस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिस कर देगा ठीक है हम निकाल क्या रहे हैं रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं और हो क्या कि उसकी इलेक्ट्रिसिस इलेक्ट्रिसिस होने से क्या होगा जो उसकी इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉन्सनट्रेशन हो जाए होगी ना वो क्या होगी वो चेंज हो जाएगी ठीक है और चेंज होने से कंसट्रेशन चेंज होने से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी एक तो डिफ़िकल्टी ये आएगी साथ में देखो इसे मान ली एग्ज़ाम्पल मैंने लिया मैंने एन ए सी एसोल्यूशन लिया और मैं इसकी रेजिस्टेंस नोट कर दी हूँ ठीक है एन ए सी एल में मैंने डी सी करंट जो था पास कर दिया तो एन ए सी एल में जब डी सी करंट पास करेंगे तो फटाफट क्या होगा आयन में क्या हो जाएगा एन ए पॉजिटिव अलग सी नेगेटिव अलग हो जाएगा और वो शुरू कर देगा उसकी इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस ठीक है और इलेक्ट्रोलिस के दौरान क्या होगा हमारे मेरे अकॉर्डिंग मैं किसकी रेजिस्टेंस निकाल रही हूँ मैं निकाली हूँ एन की लेकिन अगर हम एक्वेशन ऑफ एन लेके चल रहे हैं तो क्या मुझे एन के, के साथ साथ आप लोगों को पता है वाटर के साथ एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव आइन्स मिलेंगे तो एंड में मेरे पास जो सोल्यूशन होगा ना वो मेरे पास क्या रह जाएगा एन -OH भी तो आ जाएगा कैसे आएगा देखो एन लिया आपने इलेक्ट्रोलाइट ठीक है एक्विशन वाटर की फॉर्म में तो मेरे पास ये सारे के सारे आइन्स मिले अल्टीमेटली मेरे मेरे अकॉर्डिंग मैं किसके निकाल रही हूँ रेजिस्टेंस एन की लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटीज के दौरान ना क्या होगा एच पॉजिटिव जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन में और सी सी एल नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा सी एल टू में अल्टीमेटली मैं किसकी निकाल रही हूँ रेजिस्टेंस मैं निकाल रही हूँ एक्चुअली मैं किसकी एन ओ एच की क्योंकि एनी स्केल की क्या हो चुकी है इसकी हो चुकी है इलेक्ट्रोलिस ठीक है और इस वजह से जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या करेगी चेंज हो जाएगी ठीक है तो ये हमारे पास डिफिकल्टी है इस वजह से इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए क्या किया गया है हमने इन प्लेस ऑफ डी सी वी आर यूजिंग आल्टरनेटिंग करंट इफ़ वी आर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस ठीक है तो वही मैंने यहाँ पे लिखी हैं देखो क्या लिखा है मैंने जो हमने अभी डिस्कस किया फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वी फेस टू मेन डिफिकल्टीज ठीक है फॉर इलेक्ट्रोटिक सोल्यूशन डायरेक्ट करंट कैन नॉट बी यूज एंड वी नो दैट व्हाई वी कांट यूज डीसी करंट बिकॉज इट कॉजिज द इलेक्ट्रिसिस ऑफ द सोल्यूशन ठीक है और जिस वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कंस्टेशन चेंज हो जाएगी और रजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी सेकेंड डिफिकल्टी क्या है सोल्यूशन ऑफ अ नॉन रजिस्टेंस कैनॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक अ मेटालिक फायर और अदर सोलिड कंडक्टर्स है ना अगर मेरे पास आयनिक सोल्यूशन हैं तो उनको हम सिंपल uh, कंडक्टर्स की तरह डायरेक्टली मीड स्टोन ब्रिज के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते तो इन डिफिकल्टीज को देखते हुए हमने जो था नया मॉडिफाई किया एक सेल बनाया गया जिसमें सोल्यूशन को रखा गया और उसको नाम दिया गया कंडक्टिविटी सेल ठीक है तो ये है कंडक्टिविटी सेल इट कंपोज्ड ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स ठीक है ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स हैं दो और इन ये सेल जो है इट इज मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ठीक है और इसके अंदर हमने लिया हुआ है सॉल्यूशन जिसकी हमें चाहिए रेजिस्टेंस ठीक है और इस जो हमारे पास कंडक्टिविटी सेल है इसको मैंने किस से कनेक्ट किया हुआ है वीड ब्रिज के साथ ठीक है देखो यहाँ पे मैंने कौन सा करंट लिया है मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ऑल्टरनेटिंग करंट लिया हुआ है ठीक है रजिस्ट ये जो वीटस्टॉन ब्रिज हमने कनेक्ट किया है ना इस सेल के साथ देखो ये इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं हम ये इस तरह से होता है हमारे पास ठीक है ये हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली में इस तरह से तीन अलग अलग बॉक्स बने होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं एक वायर के साथ ठीक है यहाँ पे ये वायर है और इसके साथ कनेक्टेड है ये अलग अलग टर्मिनल्स तीन अलग अलग क्या है मेरे पास टर्मिनल्स हैं इसके साथ पहले वाले के साथ हमने रेजिस्टेंस बॉक्स जो है कनेक्ट किया होता है और इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम कोई भी वैल्यू की रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे की जो है वो सर्किट में ज्वाइन कर सकते हैं तो ये रेजिस्टेंस कौन सी होगी ये होगी मेरे पास फिर से वीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल याद करो ये होगी मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस ठीक है इसके साथ इस टर्मिनल के साथ मैंने ये वायर के थ्रू जो था ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो जॉइन किए हैं इसके दो टर्मिनल्स के साथ ठीक है और मुझे एक्चुअली में रेजिस्टेंस किसकी निकालनी है इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर मैंने क्या क्या ले रखा है कोई सॉल्यूशन जिसकी मुझे निकालनी है रेजिस्टेंस ठीक है तो इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है ये मैंने यहाँ पे लिखी मान लेते हैं दिस इज़ द अननोन रेजिस्टेंस ठीक है ये अन रेजिस्टेंस है क्या एक्स जिसकी मेरे पास वैल्यू नहीं है क्लियर अब मैंने ये वायर के साथ इनको कनेक्ट किया हुआ है साथ में मैंने क्या सप्लाई किया है ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया है ठीक है अब देखो बच्चे हम ना गैलविनोमीटर से चेक करते थे वैसे तो वैल्यू ऑफ करंट ठीक है लेकिन गैल्वेनोमीटर जो था वो डीसी में डिफ्लेक्शन तो देता था लेकिन जो आल्टरनेटिंग करंट है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है और गैल्वेनोमीटर इस रेंज में डिफ्लेक्शन नहीं देता है इस वजह से हमने गैलविनोमीटर को पता किससे रिप्लेस किया है ईयरफोन के साथ और हमने यहाँ पे ये यह कनेक्ट किया हुआ है ये कुछ भी नहीं सिंपल वायर है हैविंग ईयरफोन ये क्या है ईयरफोन बनाया है मैंने ठीक है और इसके साथ हमने एक ना जस्ट लाइक मेटालिक की होती है ठीक है पेन की तरह होता है उसको हम जॉकी कहते हैं ये जॉकी जो है ये कनेक्शन किया है मैंने किसके साथ किया है ईयरफोन के साथ और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया हुआ है यहाँ पे इस टर्मिनल के ठीक है और जहाँ पे मैंने क्या कनेक्ट किया हुआ है एक्चुअली में कंडक्टिविटी सेल हैविंग सॉल्यूशन क्लियर अब देखो ये ईयरफोन है इनका काम क्या है बच्चे इनको हम लगा लेंगे ठीक है कानों में लगा लेंगे और ये साउंड प्रोड्यूस करेगा अगर जब तक आपको साउंड आ रहा है यानी कि वहाँ से करंट फ्लो हो रहा है जैसे ही आपको साउंड आना बंद हो जाएगा यानी कि वहाँ से करंट फ्लो नहीं नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा आपके पास नल पॉइंट आ जाएगा ठीक है अब हमने क्या किया अब हम अपना वॉकिंग स्टार्ट करते हैं हमने वेरिएबल रजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पर लिया हुआ है इस बॉक्स में उठा के हमने यहाँ पर कोई भी की रजिस्टेंस की को पुट कर दिया इस सर्किट के अंदर ठीक है और हमने क्या किया ये जो है ना ठीक है सिंपल होता है ना मार्कर की छोटी सी होती है जो कि ना उसको इस वायर के ऊपर ना बच्चे मूव किया जाता है ठीक है वायर के ऊपर मूव करने से क्या होगा जैसे आप वायर के ऊपर मूव करोगे ना करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा ठीक है और आपने ईयरफोन लगा लिया आपको साउंड आ रही है करंट की ठीक है तो आप ये चेंज करते जा रहे हैं और मान लेते हैं कि आप इसको मूव कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं और जब जैसे ही जौकी आप इस डी पॉइंट पे पहुंची ना उस टाइम पे इस ईयरफोन के थ्रू करंट आना ये साउंड आना सॉरी करंट नहीं आएगा ईयरफोन में ईयरफोन में से साउंड आएगा साउंड आना क्या हो गया बंद हो गया तो आप समझ जाओगे कि अब करंट फ्लो करना बंद हो गया है तो मान लेते हैं हमने इस डी पॉइंट पे करंट आना क्या हो गया बंद हो गया तो अब हमारे पास क्या आ चुका है नल पॉइंट तो उस नल पॉइंट में फिर से वीड ब्रिज प्रिंसिपल लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये जो दोनों रजिस्टेंस है ना सीरीज़ में आर रजिस्टेंस आर ठीक है अपॉन रेजिस्टेंस एक्स जो कि अन इस बार ये अनो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस आर अपॉन रेजिस्टेंस एक्स देखो मैंने इसको सिंपल आर लिखा है रेजिस्टेंस आर अपॉन रेजिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू ये किसके इक्वल हो जाएगा देखो जो लेंथ होती है ना कंडक्टर की आप लोगों को पता है ओम ने हमें कहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ठीक है तो ये जो ए डी यहाँ तक यहाँ तक हमारे पास क्या ये जो लेंथ है क्या ये रेजिस्टेंस के इक्वल है ठीक है तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए डी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर सी डी वही लिखा है मैंने आर अपॉन एक्स इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए डी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर सी डी ठीक है रेजिस्टेंस ऑफ दिस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस ठीक है रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए डी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर सी डी ठीक है रेजिस्टेंस किस के इक्वल है लेंथ के इक्वल है अच्छा ये जो मेट यहाँ पे वायर है ना बच्चे लगे उसके नीचे ना मीटर स्केल लगा होता है मीटर स्केल में यहाँ पे मेजरमेंट्स होती हैं इसकी लेंथ की पूरी मेजरमेंट है कि इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है वन सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर तो रजिस्टेंस ऑफ वायर ए डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए डी कितने रेजिस्टेंस होगी इतने किस ए डी की क्या होगी लेंथ होगी और लेंथ कितनी होगी पता कैसे लगा होगी यहाँ पर मैंने कहा ना यहाँ नीचे मीटर स्केल लगा होगा और यहाँ पर सारी ग्रेजुएटेडेडेड इसकी वैल्यूज़ दी होंगी ठीक है तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए डी इज इक्वल लेंथ ए डी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर सी डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी तो यहाँ पे मीटर स्केल से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कितनी लेंथ आई है पुट कर देंगे जी जो लेंथ ए डी की है और जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक है वो यहाँ पे आ जाएगी ठीक है एक्चुअली में रेजिस्टेंस आर जो था वो वेरिएबल था आपने खुद यहाँ पे वैल्यू चेंज करते गए करते गए और कब तक चेंज करनी जब तक क्या पॉइंट नहीं आ जाता नल पॉइंट नहीं आ जाता ठीक है तो ये वैल्यू भी पता आपको तो अननोन एक्स तो नहीं नि, निकाल नहीं लोगे जब आपको ए डी की लेंथ पता है सी डी की लेंथ पता है आपके पास आर है तो क्या आप एक्स निकाल सकते हो वेरी सिंपल तो रेजिस्टेंस एक्स किस के लिए आ जाएगा रेजिस्टेंस आर इन लेंथ ऑफ सी डी अपॉन लेंथ ऑफ ए डी क्लियर ठीक है बच्चे तो इस तरह से आप क्या निकालोगे रजिस्टेंस निकालोगे उस अन रेजिस्टेंस रजिस्टेंस निकालोगे वो रेजिस्टेंस है किसकी एक्चुअली में उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की ठीक है अब रेजिस्टेंस निकाले तो वन अपॉन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी आपके पास आ जाएगी कंडक्टेंस क्लियर अब कंडक्टेंस के साथ ही रिलेटेड है मेरे पास कंडक्टिविटी तो क्या होती है कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे कंड कंडक्टेंस से देखो कंडक्टिविटी जो है वन अपॉन रो है दैट इज़ वन अपॉन रेजिस्टिविटी पढ़ा आपने और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या पढ़ी आपने आर ए अपॉन एल ठीक है तो अभी मैंने क्या किया कि रो की जगह मैंने क्या पुट कर दी वैल्यू आर ए अपॉन एल है ना रो एच है ना डिनोमिनेटर में तो आर ए अपॉन एल एल ऊपर आ गया अच्छा लेंथ अपॉन एरिया किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक uh, सॉल्यूशन का चाहे वो मतलब जो भी कंडक्टर्स होते हैं ना उनकी लेंथ कभी चेंज करती है नहीं करती है एरिया ऑफ क्रॉस क्रॉस सेक्शन कभी चेंज करता है नहीं करता है तो एक्चुअली में लेंथ अपॉन एरिया दोनों पैरामीटर्स क्या रहते हैं कांस्टेंट रहते हैं और इस वजह से एल अपॉन ए जो है ना ये इसको अलग से लिखा है मैंने एल अपॉन ए करके ये कॉन्सटेंट है ठीक है और इसको क्या नाम दिया जाता है सेल कॉन्सटेंट और एल अपॉन ए को एक न्याय ही सिंबल दिया गया है जी स्टार करके और जी स्टार को क्या नाम दिया है सेल्फ कॉन्स्टेंट ठीक है एलोपोन और इसकी वैल्यू कितनी होगी जी स्टार की अपॉन ए मैंने क्या लिखा है इसको जी स्टार देखो ये जब मैंने अपॉन ए को लिखा ना जी स्टार तो पीछे क्या गया वन अपॉन आर दैट इज़ वन अपॉन रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है कंडक्टेंस के इक्वल होता है तो वन अपॉन आर के लिखा मैंने जी ठीक है और अपॉन ए के लिखा मैंने जी स्टार तो मेरे पास कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया कंडक्टेंस इंटू सेल्फ कॉन्स्टेंट ठीक है तो जी इन टू जी स्टार्ट मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया एक और फॉर्मूला कंडक्टिविटी निकालने का क्या आ गया कंडक्टेंस इंटू सेल्फ कॉन्स्टेंट ठीक है और ये सारे फॉर्मूलेस हम जो है नेक्स्ट उसमें वीडियो में न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे उसमें यूज करने वाले हैं क्लियर